नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे साथ ये वीडियो है। हमारे साथ एक महिला है जो ऑटो ड्राइवर है। बहुत दिनों से मैं देख रहा था, जान रहा था, पहली बार मेरे पास एक्सपीरियंस हुआ कि मैं किसी महिला ऑटो ड्राइवर के साथ बैठा हूँ। आइए इनके बारे में जानते हैं। मैडम, आपका नाम क्या हुआ? सुमन सिंह। सुमन सिंह, और कितने दिनों से आप ऑटो चला रही हैं? 1 साल हो गया है। लॉकडाउन में शुरू किया था हमने। अच्छा, आपने लॉकडाउन में शुरू किया था। तो ऑटो चलाना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? बहुत मुश्किल था, और चलाना इतना आसान नहीं है। लोगों के बीच में रहना इतना मुश्किल है। कुछ लोग तो अच्छा नहीं मानते, कुछ लोग तो ठीक है, कुछ दे देते हैं सवारियाँ कि चलो ले जाओ, हम तो कैसे भी कर लेंगे, पर कुछ लोग नहीं करते कोऑपरेट, हर कोई नहीं है। अपने बारे में हमें बताइए ज़रा, आप कब से क्यों चला रही हैं, क्या मजबूरी रही? मजबूरी यही रही कि मेरे बच्चे हैं छोटे, मैं उनके किसके भरोसे छोड़ूं? कोई तो मेरा साथ नहीं है, मैं हूँ जब तक तब तक मुझे पालना है, जब मैं नहीं रहूँगी तब बात की बात। कितने बच्चे हैं आपके? दो बेटी हैं। अच्छा, दो बेटी हैं। तो ये दिल्ली में कहाँ से कहाँ तक आप चलाती हैं? चलाने को तो पूरी दिल्ली में चलाती हूँ, बट कुछ एरिया है जो मेरे लिए सही नहीं है, सेफ भी नहीं है, इसलिए वहीं चलाती जहाँ मुझे सेफ लगे। तो जैसे और परिवार में आपने बताया दो बच्ची हैं, और आपके हस्बैंड? नहीं, उनका कोई मेरे सहारा नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ जो अपने आप को मेंटेन कर रही हूँ और चल रही हूँ, अपना निर्भर हूँ अपने रोजगार पे, बाकी किसी का कोई सपोर्ट नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपने से अपना ध्यान रख रही हैं और अपने बच्चियों का ध्यान रख रही हैं। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अभी ये ग्रेटर कैलाश मेट्रो स्टेशन से लोकल ये चलाती हैं, तो आएँ तो ज़रूर इनकी सवारी करें, और अगर हो सके तो कुछ जानने के बारे में कोशिश करें और मदद भी करें। अपने परिवार का पेट चलाने के लिए ये ऑटो चला रही हैं। रोड पर ऑटो चलाने में डर तो लगता है, मगर पापी पेट का सवाल है। सुमन हमारे लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। एक सलाम तो इनके लिए बनता है।